हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रांड साई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ फूड एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ना कि कोई ट्रैवल में जाएंगे। आज कुछ अवेयरनेस वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप लोग जानोगे कोरोना वायरस के बारे में, हमारा ओडिशा बरमपुर में कैसा क्या सिचुएशन है। क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में सजेस्ट कर रहे थे, इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे, ये फेसबुक में पोस्ट कर रहे थे कि भाई आप इतना डेली बेसिस में इतना अच्छा अच्छा वीडियोस बनाते हो, क्यों ना एक अवेयरनेस वीडियो बनाओ कोरोना वायरस, क्योंकि इतना हार्मफुल डिजीज स्प्रेड हो रहा है। तो उसके बारे में कुछ आपके तरफ से भी कुछ स्प्रेड होना चाहिए, तो उनके लिए, आपके लिए और सबके लिए मैं यहाँ पर हूँ, कुछ मेरे तरफ से कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो मैं अभी आकर पहुंचा रेलवे स्टेशन के पास, बरमपुर रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ पर कुछ लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, क्या क्या मेजर स्टेप्स लेना चाहिए, क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए कुछ डिजीज नहीं होने के लिए। तो अभी उनसे जाकर बात करेंगे और जानेंगे वो क्यों ये सब कर रहे हैं, और कोरोना वायरस के बारे में और कुछ जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स हो, क्या क्या सब चल रहा है वो सब जानकर जानेंगे। April 18, on the third anniversary of Take Your Deals company, get ready to witness the biggest offers on all kind of customized items. So what are you waiting for? Check out my description, follow Take Your Deals in Instagram and Facebook, and stay tuned for April 17 to know the offers of April 18. So guys, now we have some of the people, those who are spreading awareness for the coronavirus. So sir, what's your name? Ajay Kumar, I am president of Rotary Club of Barampur. अच्छा, तो आप ये कब से स्टार्ट किए? ये हम 3 दिन हुआ स्टार्ट करके। दिस इज कोलाब्रेशन विद स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा। ये प्रोसीजर ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस कर रहे हैं। जो लोग बाहर से पैसेंजर्स आ रहे हैं कि हम उनको हैंड वॉश दे के और सैनिटाइजर्स दे के उनको एजुकेट कर रहे हैं कि ये हैंड वॉश करने से और इसका जो प्रिकॉशंस लेने से आपको जो कोरोना वायरस का जो खतरा है वो कम होने की संभावना नहीं है। और वही हिसाब से आप अगर इसका जो भी प्रोसीजर है, हम इस ब्रोचर्स भी बांट रहे हैं, वो ब्रोचर्स में आपको मालूम कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस का कुछ संभावना नहीं आ सकता है, और देट विल बी सेफ फॉर योर हेल्थ एंड योर अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, दैट इज द मेन पर्पज। सर, आप बता सकते हो कि क्यों कोरोना वायरस का कितना इफेक्ट है इन सोसाइटी, फिलहाल अभी तो ओडिशा में पॉजिटिव केसेस बहुत कम है, लेकिन प्रिकॉशन रहने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं ट्रेन में, फ्लाइट में, इसलिए ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं। कैजुअलिटीज ओडिशा में कम है। कोरोना वायरस के बारे में आप मतलब क्या कुछ बोल सकते हो? सी, कोरोना वायरस व्हिच इज आल्सो नोन एज COVID-19 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए पेंडेमिक, व्हिच मींस इट इज एन एपिडेमिक स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। It is acknowledged for its global spread, in fact. And WHO, UNICEF, Government of India, as well as Odisha government has declared this as a calamity and have been responding it seriously. Right? So we know that we as Rotarian, now we are Rotarians, are actively, have come here to actually sensitize people and to sanitize people. We in fact cannot sanitize, we are trying to sensitize people about how to remain safe. We are telling them that you must, sanitize your hands, you must use certain, soaps and all, so that they can remain safe. Right? That's it. क्यों मतलब कोरोना वायरस से? देखिए, अभी जो फिलहाल जहाँ से शुरुआत हुआ, अभी चाइना से शुरुआत हुआ, अभी अपना देश में भी फैला रहा है, तो अपना कटक में फर्स्ट कैजुअलिटी हुआ है, इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट उसको एक नेशनल डिजास्टर के हिसाब से भारत सरकार और उड़ीसा सरकार भी निश्चय किया। उसी हिसाब से हम लोग क्या ना अभी एजुकेट करना है पेशेंट को, ट्रैवलर्स को, जहाँ पे एक एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, जहाँ से वहाँ फैलाने की संभावना ज़्यादा होता है। उसी सिलसिले में हम लोग बता रहे हैं कि सरकार भी बता रहा है कि जितना कमती आदमी लोग इकट्ठे होंगे तो उतना बेहतर होगा। इसी सिलसिले में हम लोग का कहने की इच्छा ये है, और हम अपने आप हर आधे घंटे एक घंटे में हाथ साफ करें और किसी से आलिंगन मत करें,
और इसी सिलसिले में हम लोग कहने की चाहते हैं और एजुकेट कर रहे हैं, और अपना जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करिए। तो अपने परिवार के लिए साफ रखना है, घर भी साफ रखना है, जहाँ पे बैठे रहते हैं वहाँ पे भी साफ करें। ये इसी वजह से कि वो कोविड 19 आधा घंटे से ज़्यादा नहीं रहता है, और उसी सिलसिले में आधे घंटे के बाद आप साफ करेंगे तो बेहतर होगा, और गर्म पानी से पिएंगे वो अपने सेहत के लिए अच्छा है, उसको फैलाने की संभावना भी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली हम लोग जानते हैं कि अभी कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने से इतना अच्छा है, तो यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड, एंड जो जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी बहुत मोटिवेट हो रहे हैं आप लोग देखकर, एंड थैंक यू सो मच। हाय मैम। हाय, आपका नाम? मधुस्मिता साहू, रोटी एंड मधुस्मिता साहू। अच्छा, जो आज एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो मतलब लोगों को जानने के लिए कोरोना वायरस के बारे में, उसके बारे में कुछ बोलो। अभी जैसे आपको पता है ये इंटरनेशनल थ्रेट हो चुका है कोरोना वायरस, तो अभी तक इसका कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं आया, जैसे हम सबको पता है न्यूज़ चैनल से भी। तो एक तरह से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसी बेसिस पे रोटरी क्लब को हमें मिला है चांस कि हम टिल द 31st तक हम यहाँ पर 15 days मॉर्निंग इवनिंग 4 to 7 लोगों को हम सैनिटाइजर देते हैं, उनको कैसे आपको हाथ को रब करना है, कैसे वॉश करना है वो बताते हैं। अगर किसी के पास सैनिटाइजर ना हो तो आप साबुन से कैसे आप अपने हाथों को रब कर सकते हैं, कैसे आप अपने हाथों को क्लीन करना है, और अफेक्टेड एरिया क्या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बताते हैं। थैंक यू मैम, एंड यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच। सो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट कोरोना वायरस, मतलब व्हाट आर द थिंग्स? ओके, before this I would like to introduce myself as Dr. V. Harish Madhav. I am a government doctor working in Barampur. So I thank this opportunity on behalf of Branded Sai for giving me this opportunity for creating awareness and sharing my bit on coronavirus. So come to coronavirus, COVID-19, as you know, it has been the hot talk of the day, and it has been declared as a pandemic by World Health Organization, and even our state government has declared it as a disaster, and it has created a lot of chaos, because of which all the schools, colleges, public institutions, cinema halls have been closed till March 31st. We as a part of Rotary, and I being a member of Rotary, are associating ourselves with state government and creating awareness in this Barampur railway station from the past 3 days, giving hands and giving sanitizers, as well as giving sanitizers so that they can clean their hands. So I thank this opportunity to my president as well as secretary for sharing my bit regarding coronavirus. As you know, this is a virus, it will reach pandemic proportion, and it has reached pandemic proportions. So as to prevent, we should avoid large crowded places and keep our hygiene as clean as possible. Keep your wash your hands thoroughly and regularly, and drink lots of amounts of water, and lot of so that your throat is kept clean, and drink a lot of hot water so that your whatever the in case if you are infected at an early stage, the water gets the virus gets washed away through the stomach. So these are the some basic steps. Along with this, you can eat a lot of ginger and garlic, which will help in boosting your immunity. And if you have soreness of throat as well as fever, which is persisting for more than 7 days, please consult the doctor as immediate as possible. Our state government team as well as our central government team has put up coronavirus centers as well as coronavirus isolation wards in all the medical institutions, primary health centers as well as community health centers, and doing a lot of promotion, motivation as well as awareness in educating public. Because if countries like USA, China as well as South Korea, which are said to be very much far developed, can have a lot of deaths, there is no surprise in us also being so motivated as well as precautious, because it's a virus. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.
So friends, at last, thank you so much for watching this video, and I hope people have got enough information about coronavirus and the prevention steps. And mere taraf se aap log ke liye kuch suggestion hai, please do definitely follow this, like please wash your hands in regular basic and always drink hot water, and stop being in crowded places for at least few days. So thank you and stay tuned to Jaipur's branded site.